रंजान पुरस्करिंचुकुनी विकाराबाद पट्टणंलो चिगुल्लपल्ली मैदानंलो सोमवारं सायंत्रं पेद्द एत्तुन इफ्तार कार्यक्रमं निर्वहिंचारु। स्पीकर गड्डं प्रसाद कुमार नवाब महबूब अली खान आध्वर्यंलो निर्वहिंचिन ई कार्यक्रमंलो मैनारिटी सोदरुलु पेद्द एत्तुन पाल्गोन्नारु। प्रत्येक प्रार्थनल अनंतरं इफ्तार विందులो पाल्गोनगा नायकुलु प्रजा प्रतिनिधुलु कार्यकर्तलु पट्टण प्रमुखुलु मैनारिटी सोदरुलु पेद्द एत्तुन पाल्गोन्नारु। सबको सलाम वालेकुम। मैं रहमतुल्लाह बरकात। ये रमजान महीने में जो आप सब लोग रोजा पे रह के करें, दुआ आपके सेहत के लिए होंगे, खुद का फैमिली मेंबर्स के लिए होंगे, आपका तरक्की के लिए जो भी दुआ मांगे अल्लाह उसे कबूल करे। खान साहब कितना अच्छा दावती इफ्तार लगा के पूरे विकाराबाद के मुसलमान भाई बहनों को बुला के इधर सबको खिला रहे। खान साहब बोल रहे थे ये कंटिन्यू होगा, मेरे नेक्स्ट जनरेशन वाले भी यही कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे थे। खान साहब बड़े बड़ा साहब और एक अच्छी बात बोले, जो आने वाले सियासत है वो सियासत अपना जिम्मेदारी अपना फर्ज बन के आप बाहर निकल लो। बाहर वोट डालने का टाइम आया, अब देश में क्या क्या हो रहा, क्या क्या नौटंकी हो रहा पूरे देख रहे। खान साहब इतना सीधा बोल दिए आप सब लोगों को, अपना फर्ज बनता जो भी सियासत है बाहर आना वोट डालना। अभी पूरा साफ हो गए क्या किनको वोट डालना बोल के भी डायरेक्टली बोल दिए ऐसे। खान साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब पवित्र रमजान मासम लो खान साहब गारी विकाराबाद इफ्तार इव मैनारटी सोदर ने रोज इफ्तार रमजान मासम अल्लाह तो वारे ज्ञापन उच्च वारी रथ वन मंत उपवास वाल कुटा वार मंजूड़ी अल्लाह इधे विधा कंटिवेशन चेला मंच प्रोग्रम खान साहब इनको वारी मनस्फूर्ति धन्यवाद। रमजान के इस महीने पे हर साल की तरह इस साल भी हमारे साहेब आलम खान साहब जो आप लोगों के लिए रमजान के महीने में दावत देते हैं, इस साल भी ये दावत देने के लिए मैं उनको उनके पूरे परिवार को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबसे अपील करता हूँ सबके दुआ कबूल हो, इस तरह से अभी तक सभी ने बताया है। और हमारे बीच में रंजीत भाई है, असलाना है, रंजीत भाई आप सब जानते हैं जो आप लोगों की खिदमत करने के लिए आपके बीच में आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप सब लोग सोच समझ कर वोट करेंगे, क्योंकि आज आप सब लोगों की जरूरत देश के लिए है, देश आपकी तरफ देख रहा है। आप सबकी खिदमत करने के लिए रंजीत भाई भी हमारे बीच में आए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सोच समझ कर आने वाले समय के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान इफ्तार दावत नवाब महबूब आलम खान साहब ने ये दावत दी है। ये दावत को विकाराबाद में रह सकने वाले मैनारटी भाइयों को बुलकर आए से इसको सबको मेरा सलाम। और मंच पे बैठे सो अभी कंटेस्टेड करने वाले एमपी साहब रंजीत रेड्डी साहब और राज्यसभा मेंबर अनिल यादव साहब, हमारे दोस्त भयूम भाई साहब और हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर राममोहन रेड्डी परी एमएलए साहब और हमारे दोस्त तांडूर के एमएलए साहब मनोहर रेड्डी साहब और हमारे मैनारटी बोर्ड वर्क्स बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला साहब और रेड्डी साहब और हमारे भाई मुजाहिद अली साहब और मंच पे बैठे सो साहब हमारे हुजूर पाशा हज कमिटी के चेयरमैन साहब हैं हुजूर पाशा और मंच पे बैठे
से हर एक बड़े दिन को मेरा सलाम होते हुए, और रमज़ान में जो महीना भर आप ఏదైతుంటున్నారో పవిత్ర రంజాన్ మాసం మీ అందరికీ భగవంతుడు దీవించి ఆశీర్వదించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మరీ ముఖ్యంగా నా తరఫు నుంచి ఒకటి మైనార్టీ సోదరులకు మరి అందరికీ తెలియజేయడం ఏంటంటే, ప్రతి రంజాన్కు మన శరీరంలో ఉన్న ఒక చెడు గుణాన్ని వచ్చే పని చేద్దామని చెప్పేసి మీ అందరితో కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నెల రోజులు మామూలుగా ఉండరు మీరు, మరి ఈ ఉపవాసాలు పనికి రావాలంటే మనిషి ప్రేమతో బతకాలనే ఆలోచన మనసులోకి రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మరి అదేవిధంగా రాబోయే ఎన్నికల లోపల ఎంపీ ఎలక్షన్స్ లోపల మన కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి, డాక్టర్ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారు నిలబడ్డారు. మైనార్టీలు ఇప్పటికే ఆలోచన మారింది, భారతదేశంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఏదైతే సెక్యులర్ పార్టీ ఉన్నదో, ఏదైతే మైనార్టీలను కాపాడే పార్టీ ఉన్నదో ఆ పార్టీకి ఓటు వేయాలనే ఆలోచనకు మీరు వచ్చిందని చెప్పేసి మా మనసుకు కూడా తెలుసు, మీ మనసుకు కూడా తెలుసు అని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يوم القيامة والسماوات سمع الله لمن حمده الله أكبر.